एनसीपी को लेकर शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का बड़ा फैसला है। स्पीकर ने अजीत पवार गुट को मान्यता दी है। जी हां, अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है। स्पीकर का यह कहना, अजीत परिवार की है एनसीपी, स्पीकर का यह कहना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। एनसीपी पार्टी को लेकर शरद पवार गुट को एक बड़ा तगड़ा झटका, इसे हम कहेंगे महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का यह बड़ा फैसला है। स्पीकर ने अजीत पवार गुट को मान्यता दी है। स्पीकर कहते हैं कि अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है, अजीत परिवार की है एनसीपी, स्पीकर का यह कहना है। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने बड़ा बयान दिया, बड़ा फैसला महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का। स्पीकर ने अजीत पवार गुट को मान्यता दे दी है। अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है, स्पीकर ऐसा कह रहे हैं। अजीत पवार की है एनसीपी, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का यह कहना। मध्यप्रदेश के रतलाम में धरने पर बैठे हैं विधायक कमलेश्वर डोडियार। सैलाना पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए उन्होंने। बिना अनुमति पुलिस पर पोस्टमार्टम कराने के आरोप लगा दिए। सड़क हादसे में युवक की जान चली गई थी और पुलिस के समझाने पर विधायक ने अपना धरना खत्म किया। विधायक के साथ ग्रामीण और परिजन भी मौजूद थे, धरने पर बैठे हुए थे। कमलेश्वर डोडियार धरने पर बैठ गए, सैलाना पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगा दिए। बिना अनुमति पुलिस पर पोस्टमार्टम कराने के आरोप लगाए। सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई थी और आरोप लग रहे हैं पुलिस पर कि बिना अनुमति के ही पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया। नक्सल क्षेत्रों के लिए बड़ी योजना का ऐलान हुआ है। आपका अच्छा गांव योजना का ऐलान हुआ है। जी हां, विधानसभा में योजना का ऐलान किया गया सरकार की तरफ से। बस्तर क्षेत्र के अन्य कैंप के पास के गांव के लिए योजना है। 5 किलोमीटर के दायरे के गांव में इसका फायदा मिलेगा। 25 मूलभूत सुविधाओं का ग्रामीणों को लाभ मिलेगा इस योजना के तहत। नक्सल क्षेत्रों के लिए बड़ी योजना का ऐलान। आपका अच्छा गांव योजना का नाम है। विधानसभा में योजना का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। बस्तर क्षेत्र के नए कैंप के पास के गांव के लिए ये योजना है। 5 किलोमीटर के दायरे के गांव में इसका फायदा मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा ग्रामीणों को। 25 मूलभूत सुविधाओं का ग्रामीण फायदा उठा पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे रायपुर से आकाश शुक्ला, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, निश्चित तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो गांव बसते हैं, जहां पर ग्रामीण रहते हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार की एक अच्छी पहल है कि इस योजना के जरिए उन ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जी बिल्कुल, देखिए नक्सल क्षेत्रों को और नक्सल क्षेत्रों में जो गांव हैं उनका विकास करना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही है। कई योजनाएं आई और विकास के लगातार दावे पूर्ववर्ती सरकारों ने भी करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बस्तर के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अछूते रह गए। अब इस भाजपा सरकार का फोकस है कि उन क्षेत्रों पर फोकस करें, वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए, स्कूल शिक्षा से लेकर तमाम वह सुविधाएं हो जो एक समाज को आवश्यकता होती है। यही कारण है कि विष्णुदेव सरकार ने अभी सदन के भीतर
नियत नीलाधार योजना की शुरुआत की, यानी उसका मतलब है हमारा अच्छा गांव। हमारा अच्छा गांव कैसा हो, हमारा अच्छा गांव में तमाम वह सुविधाएं हो, बैंक की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, इसके अलावा जो है सड़क मार्गों से उन्हें जोड़ा जाए, इसके लिए उन गाँव को चिन्हित किया गया है जहाँ पर नए कैंप स्थापित होंगे। 14 नए कैंप है, उसके आसपास के गाँव को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। 25 करोड़ रुपए का राज्य सरकार ने प्रावधान रखा है और जरूरत पड़ी तो इसको बजट को भी बढ़ाया जाएगा। तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी, राशन मिलेगा, बैंक की सुविधाएं होगी, मोबाइल टावर लगेगी, यानी सीधे तौर पर जो छोटे शहरी क्षेत्रों में जो सुविधाएं होती है वो तमाम सुविधाएं इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होंगी। यानी सीधे तौर पर जो बीहड़ क्षेत्र है उनका विकास होगा, मूल धारा से आदिवासी जुड़ेंगे, शिक्षा से जुड़ेंगे, स्वास्थ्य से जुड़ेंगे। तो एक अच्छी पहल है और अच्छी योजना है। सदन के भीतर जैसे ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना की घोषणा की, विपक्ष ने भी योजना का ऐलान हो चुका है, देखने वाली बात होगी योजना का लाभ ग्रामीणों तक कब तक पहुंच पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आकाश। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।